आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम किया का वेट टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आना पड़ता है धर्मकांटा पे। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, टू टाइप्स के वेट होते हैं, कर्व वेट और एक अपना जो होता है ग्रॉस वेट। तो गाइस, कर्व वेट का पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कर्व वेट वो वेट होता है जिसमें आपकी गाड़ी में कोई भी बैठा नहीं होना चाहिए और बूट में भी कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी जैसे कंपनी गाड़ी दे रही है, शोरूम से जैसे निकल के आती है, एज इट इज़ एज ही जो कंपनी मेंशन करती है वो कर्व वेट होता है। तो गाइस, मैंने गूगल पे सर्च किया था जो इसका कर्व वेट है वो कितना होना चाहिए, और जो कर्व वेट निकल के आता है वो टैंक फुल भी है ना अगर आपकी गाड़ी का, तो उसके अंदर भी मेंशन कर देता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका कर्व वेट है, गूगल पे सर्च किया था, तो यहाँ पर 108 12 1233 kg। तो गाइस, ऐसा है कि मेरे पास जो है किया सोनेट HTK वेरिएंट है, तो इसका जो वेट टेस्ट है, जैसे कि अगर इसमें फॉग लैम्प नहीं आते, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आती नहीं है, जैसे अलॉय व्हील्स होते हैं तो उसमें भी वेट बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती है, तो उस वजह से वेट जो अप्रोक्सीमेट ये ऑनलाइन में बताते हैं, ये 108 12 1233 kg तक ये है कर्व वेट। तो गाइस, अब गाड़ी के अंदर में बैठेगा कोई भी नहीं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ और आपको जो इसका ग्रॉस वेट होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले अभी जो इसका ग्रॉस वेट होता है गाइस, देख लो, 1460 to 1630 kg। तो इसका मतलब गाइस ये है, जो 1630 तक जो है इसका वेट जा सकता है वो टैंक फुल में, और उसमें बूट में सामान भी होना चाहिए और आगे जो है पाँचों पैसेंजर बैठे होने चाहिए। तो पहले कर्व वेट चेक करते हैं, गाड़ी में से मैं सबको निकाल देता हूँ, फिर गाड़ी पूरी खाली रहेगी, मैं आपको चेक भी करा दूंगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ जो धर्मकांटा होता है ना वो ये होता है गाइस। देख लो, एक गाड़ी आई है तुलने के लिए, तो जो इसका कर्व वेट होगा और माल जितना आता है, फॉर एग्जांपल अगर 1000 किलो का एक ट्रक है तो उसमें अगर 300 किलो माल है तो वो 1300 किलो दिखाएगा, और 1000 किलो लेस करके जो अपना होता है वेट वो निकल जाता है। 1000 किलो की गाड़ी होगी और 300 किलो का आपकी गाड़ी का जो वेट है, जो फिलअप हुआ हुआ है, वो उसमें मैंशन कर दिया जाता है। तो गाइस, यही होता है, सिंपल सा फंडा है। तो अब चलते हैं अंदर, तो वहाँ पर जो है अंदर जो विंडो देख पा रहे होंगे, अंदर ही जाएंगे, वहाँ से चेक करेंगे इसका कर्व वेट और ग्रॉस वेट। तो पहले कर्व वेट चेक कर लेते हैं। तो भाई, पहले मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, गाड़ी पूरी खाली पड़ी है, पापा जी है मेरे, तो मैं आपको पीछे देख लो, बगल वाली सीट पे भी कोई नहीं बैठा हुआ, और इसका कर्व टेस्ट करेंगे, पापा जी को उतार दूंगा, पीछे भी देख लो कोई भी नहीं है, और मैं इसका बूट भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई, जो बूट है पूरा खाली पड़ा है, और मैं इसका पेट्रोल दिखा देता हूँ पहले आपको। तो गाइस, इसका जो पेट्रोल है ना, ये देख लो, फुल से थोड़ा सा नीचे है, और अभी जो है अभी जब हम टेस्ट करेंगे, पापा को मैं उतार देता हूँ और मैं आपको अंदर 00 भी दिखाऊंगा। तो भाई, रूम देख रहे हो आप, तो उसी के अंदर टेस्ट होने वाला है इसका, जो टेस्ट होगा अभी, चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई, देख लो, अंदर चल रहे हैं, जो मशीन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं। अंकल जी, 0 है ना? हाँ। देख लो भाई, ये बिल्कुल 00 मशीन है, यही वेट की होती है। और अब गाड़ी को हम आगे बढ़वाते हैं और आगे लेके आते हैं, अभी पापा बैठे हुए हैं। पापा, तो गाइस ये है अपना वो जिस पे गाड़ी अपनी खड़ी होती है, आ जाओ। पापा जी, उतर जाओ आप। तो गाइस, गाड़ी हो चुकी है अपनी खड़ी कांटे पे, इसको कहते हैं धर्म कांटा, मैंने आपको बताया था अभी। तो गाड़ी के अंदर अभी कोई भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, पूरी खाली है गाड़ी, पीछे से भी देख लो आप, और जो इसका बूट है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसका जो ग्रॉस वेट और अपना कर्व वेट है, अभी तो हम कर्व वेट टेस्ट कर रहे हैं इसका, तो इसमें जो कर्व वेट निकल के आता है गाइस, ये आता है 106 1065, और जो कंपनी क्लेम करती है, जो गूगल पे डाला हुआ है, वो तो कम ही दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो गाइस, कर्व वेट मैंने सर्च किया हुआ है 108 12 1233 kg, ठीक है, तो इतने के अंदर अंदर होना चाहिए, जहाँ की देखा जाए तो 1081 से भी कम दिखा रहा है ये। तो अब चलते हैं गाइज, अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैं एक जने को बिठाऊंगा, अभी यहाँ 1065 दिखा रहा है, आप देख लो। तो अगर मैं डैडी को बिठाता हूँ तो वेट कितना आता है, वो भी पैसेंजर्स बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। तो भाई, पापा जी का वेट होगा अप्रोक्स 72 75 kg होगा अराउंड, तो भी पापा जी को बैठने देते हैं। तो गाड़ी अभी भी देख लो गाइज, इसी पे ही खड़ी हुई है, जो अपना सारा कांटा है। पापा जी बैठ चुके हैं अंदर, और मैं अब दिखाता हूँ आपको अंदर से जो इसका वेट निकल के आता है ग्रॉस वेट में कितना होगा। तो भाई देख लो, 1145 आ रहा है, अगर इसमें 4 से 5 जने बैठ जाएंगे ना, तो आप अंदाज़ा लगा लो वेट कितना होगा। 1065 था, और अब वो कितना निकल के आया, तो मैं आपको इसका ग्रॉस वेट भी दिखा देता हूँ। भाई, ग्रॉस वेट है इसका ये
1460 टू 1630 kg, ठीक है। तो अब यही है इसका जो भी है, और अगर आप इसको ना अगर 4 से 5 मेंबर बिठा दोगे तो वेट अप्रोक्स उतना ही पहुंच जाएगा जो ग्रोस वेट है इसका, और बूट में अगर आप फिलअप कर लेते हो तो वेट आपका अकॉर्डिंग टू उतना ही पहुंच जाएगा। बाकी आपने देख ही लिया होगा वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन करी दी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जो लोग किया सोनेट लेने की सोच रहे हैं उनको भी वेट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन अभी तक मेंशन नहीं किया है किया वालों ने। तो गाइज़ बस यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।